हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टॉलर पांडा। मेरा नाम है रोहित शर्मा और हम आ रखे हैं देहरादून। और अब जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम जाएंगे अभी नहाने चश्मे में, जो यहाँ पे झरना है, घर के बगल में है, पास में ही है। और ये पीछे मेरे आप देख रहे होंगे, ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम बना है और इसको बाहर से ही अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, पर मैं आपको इसका मेन गेट और हमारे घर के बगल से जो इसका व्यू पॉइंट है वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं, पहले झरने पे नहाते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। यहाँ पे जो लास्ट मैच हुए थे वो हुए थे अफगानिस्तान और आयरलैंड का, आयरलैंड का और अफगानिस्तान की सीरीज हुई थी यहाँ, तीन मैच की। चलो पहले चलते हैं झरने में, नहाकर आते हैं, मजे करके आते हैं। और जो उसका पानी है ना यहाँ पे जब पीठ पे गिरता है बहुत तेज, जिसके दर्द वर्द होगा सब खत्म। ये कह रहा मसाज करा के आएंगे झरने का, मसाज करवा कर आते हैं। चलो चलते हैं। मौसम कितना जबरदस्त भाई, पर वहाँ का पानी भी बड़ा सुन सपाटा है, मौसम ठंडा हो गया, मगर सिर्फ इसलिए नहाएंगे वहाँ पे कि ये कह रहे मसाज होती है बस। तो गाइज ये है हमारे मिस्टर रोहित शर्मा जो ड्राइव कर रहे हैं इस टाइम पे, और हमें मिस्टर दीपक नेगी और आ रहे हैं मस्ती करने चश्मा चश्मे वाले झरने पे, जिसका नाम है, झरने का नाम है चश्मा। ये आगे रायपुर का मार्केट है सामने, देखिएगा आपको यहाँ से, और इस वाले एंगल पे जो आ रहा है स्टेडियम है क्रिकेट का। तो जब से वो क्रिकेट का स्टेडियम बना है यहाँ पे, तब से यहाँ पर जैसे बोले काया क्लब, बिल्कुल ही काया क्लब हो चुका है। आज से चार पांच साल पहले ना ये पूरी जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे नहर थी, और ये ना मुश्किल से 10 फुट की सड़क थी, और अब देखो कितनी चौड़ी सड़क हो गई। ये पूरे को ये जो नहर है, ठीक है, नहर का वो है सेंटर पॉइंट, ये वाला इधर ये जा रहा है सीधा थानो होते हुए एयरपोर्ट, और यही रास्ता ऋषिकेश निकल जाएगा। ऋषिकेश ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है ऋषिकेश, और रास्ता जंगल वाला है थोड़ा, अच्छा रास्ता, बहुत बढ़िया रास्ता। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ से बड़ा एंजॉय करते हैं, हम पहले भी जाते थे वहाँ पे। ये जो रोड जा रहा है ये वही है माल कलर रोड है, यहाँ पे शूटिंग हो रही है, किसी मूवी की शूटिंग हो रही है, मूवी की शूटिंग हो रही है, जब कभी होगी जो लोकल है देहरादून के वो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया ये मूवी है या फिर ये शूट है। लोग कोई हॉरर मूवी है, कोई हॉरर मूवी बन रही है यहाँ पे। हॉरर मूवी के लिए डेस्टिनेशन बहुत है देहरादून में, देहरादून मसूरी पूरा भरा पड़ा है जगह। और हम रोहित शर्मा तो खैर बिलोंग ही यहाँ से करता है, मगर मैं भी यहाँ पे रहा हूँ कम से कम 8 साल, तो यहाँ पे मैंने अपने देहरादून को हमारी दोस्ती यहीं से, तो हमारी दोस्ती यहीं से शुरू हुई थी। और हमने मतलब बहुत जगह देखी, पता नहीं कहाँ जंगल जंगल सब जगह घूमे हम, तो काफी जगह देखी। ये धीरे धीरे आपका हम आपको ब्लॉग बना के दिखाते रहेंगे, उसमें आपको चीजें बताएंगे कि भैया आप कहाँ पे कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको कैसा माहौल है, वहाँ पे जाने की टाइमिंग क्या है, बेस्ट टाइमिंग क्या है जाने अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये झरना देखो, बाबा जी भी बैठे वहाँ पे, और नहर टाइप का। यहाँ पे बहुत लोग नहा रहे होंगे अंदर, वो देखो अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे लोग शुरू से ही जो रायपुर के रहने वाले हैं, जो यहाँ से कंटिन्यू पानी लेके जाते हैं पीने का, वो निकल रहा है पानी। अरे दादा, और इसके नीचे खड़े होकर नहाने में जो मजा आएगा ना, वो बहुत ही मजा आएगा। हाँ, दो झरने एक चश्मा। हाँ, तो चश्मे में दो आंख होती है ना। नारे थोड़ा बहुत गाउंदा, मैनू होर कुछ नहीं आउंदा, मैनू होर कुछ नहीं आउंदा, मैं ते पिंड दा जट, थोड़ी लग गई है सट, की वे मंगा तेरा हाथ, की वे मंगा तेरा हाथ, की वे मंगा तेरा हाथ। ना मैं मशहूर, ना को नौकरी मेरी जदा करार, केंद्र सत्य नु जरूर पर करा कि मैं आप
पड़ेगा नाम लिखेगा पर मैं दुनिया। तो गाइस नाना धोना हो गया और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? मजा आ गया ना। हाँ, स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ। अब वो स्पोर्ट्स कॉलेज देख कर आते हैं, काफी टाइम हो गया मेरे को भी गए हुए, तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या डेवलप हुआ है इतने दिनों में। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, देहरादून में तो चलता रहता है। गाइस गर्मियों के टाइम पे नहाने के लिए ऑसम नहीं है। तो भाई कैसा लगा? मजा आ गया भाई। चश्मे वाले झरने में ना के एकदम बढ़िया आ गया। कल की जो थकान थी काफी हद तक मिट चुकी है वो नहाने धोने से यहाँ पे। और जैसे कि आप देखोगे कि कैसा मतलब मसाज किस तरीके से हम कह रहे थे उसको, झरने का जो फोर्स है वो इतना जबरदस्त है कि उसके नीचे खड़ा रहना भी एक मतलब काफी कमजोर जमाने पड़ते हैं मेरे नीचे, ताकि हम सीधा वहां पे खड़ा रह सके। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा झरने में, झरने का वाला आप लोगों का आने का इच्छा। यहाँ पे आओ, इस तरफ आओ या ना आगे जाओ, मजा आता है। तो बहुत बढ़िया। देखा आपने सुबह कितनी बोर थी, भीड़ थी, लोग अपना बर्तन भी लेके आ रहे थे पानी भरने के लिए। और अगर आप रायपुर में जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं 50% लोग यही से आते हैं और डेली रूटीन का पानी भर के लेके जाते हैं। मतलब वो वैसे नॉर्मल पानी जो नलकों में आता है वो यूज ही नहीं करते, वो यहीं पे आते हैं अपना पीने का और खाने का पानी यहीं से लेके जाते हैं। और अगर आपको इसे कार वॉश करने के लिए आना है तो कार वॉश भी करने आ सकते हैं। वहाँ पे स्पेस है कार के लिए अलग से, जिसमें कि पानी अलग से छोटा झरना है, छोटा झरना जिसमें इतना फोर्स नहीं है। क्योंकि अगर इस झरने के नीचे आप गाड़ी खड़ी करोगे तो पक्का डेंट पड़ने वाला गाड़ी में, तो गाड़ी वहां ना करे, छाती मुड़ जाएगी, इतनी तेज प्रेशर है वो बड़ा बिल्कुल, जिसके सर दर्द हो रहा है इसके नीचे खड़ा कर दो। वहाँ पे छोटा छोटा झरना है मगर वो भी काफी हाइट में है, तो उसके नीचे आप कार वॉश आराम से कर सकते हो। वहाँ पे कर भी रहे थे कुछ लोग, आप देखोगे सूट में आपको दिख जाएगा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ये स्पोर्ट्स कॉलेज के साइड, और ये ट्रैफिक आ रहा है मेरा दम। मैं ते कित्ता एक कम मैं ते टुनटुना बजाऊंदा नाल थोड़ा बहुत गाऊंदा। ये देखिए राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, ये बना यहाँ से अंदर देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से अंदर दिखाऊंगा मैं आपको, ये अंदर के रोड है, यहाँ से अंदर जाना है। चलो थोड़ी लग गई है सट। अच्छा यहाँ पे उन्होंने क्योंकि कोविड केयर सेंटर भी बनाया है, देखिए आपको गार्ड दिख जाएंगे यहाँ पे। चलो हम आपको थोड़ा नजदीक से दिखाते हैं, ये स्टेडियम ग्राउंड दिखाना शायद संभव ना हो। गार्ड साहब से कुछ पूछते हैं। अभी तो सब कुछ बंद ही है, कितना बढ़िया है ये ग्राउंड बगल में। और वो देखो यहाँ से दिखेगा नहीं, घर नहीं दिखेंगे, नहीं तो इसी के जस्ट पीछे ऊपर की तरफ हमारा घर है। अंदर आने को तो हम बोले आजकल और ये रहा यहाँ से सड़क का व्यू। चलो चलते हैं, अब इसका दूसरा व्यू पॉइंट दिखाते हैं आपको जो मेरे घर के बगल में ही है। हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं आपको कैसा लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वो व्यू पॉइंट एक्चुअली जब बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे पहले मैच जो स्टार्ट हुए थे तो उस व्यू पॉइंट से हमने भी देखा था। उस व्यू पॉइंट से हमने भी मैच देखा था, लेकिन मानिए नीचे से पूरा दिख रहा था, पूरा दिख रहा था, इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं आपको, वहाँ पे भी इतनी भीड़ थी उस दिन। अब चल रहे हैं घर की तरफ, नाश्ता करके फिर निकलना है हमें ऑफिस। और
आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा यहाँ का झरना आपको कैसा लगा और स्पोर्ट्स कॉलेज मैंने आपको दिखाई दिया है। और मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, टाटा, बाय गाइस।